गुड मॉर्निंग। आपके अपने मैथ चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। देखिए आपके बोर्ड पे आपके नज़र के सामने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस कमीशन की तैयारी करते हो। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स कितने कमीशन में कितनी बार पूछा है आपको, क्वेश्चन बैंक देखने से पता हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, लोअर पावर उसने दे रखा है और हायर पावर मांगता है। कहीं हायर पावर दे देगा, लोअर पावर मांगेगा, कभी यहाँ प्लस है तो माइनस मांगेगा, माइनस है तो प्लस मांगेगा। कुछ यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ कीजिए, यहाँ हाथी हो तो यहाँ घोड़ा कीजिए, यहाँ हो तो बकरी कीजिए, ये है तो गधा कीजिए। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक फंडा देखिए और फंडा का डंडा जलाइए। और एक बात हमेशा याद रखें कि मैथमेटिक्स ट्रिक की चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स कंसेप्ट की चीज़ है। कहा गया है कि कंसेप्ट इज़ ए पावर और ट्रिक इज़ ए पावरलेस टावर। याद रखिए इसको, देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे बताते हैं लोअर पावर दे रहा है हायर पावर मांगता है। कुछ नहीं, आपको मालूम है कि x प्लस यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए हमको, इसलिए कि a क्यूब है या x क्यूब है तो हमको उसका क्यूब चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और ये होता है a प्लस बी। यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर देखने में दिक्कत है तो ऐसे आप देखिए, फॉर्मूला इनका यही होता है। बराबर आ जाइए साहब, एक्स क्यूब और प्लस बाकी पोर्शन का खेल देख लीजिए, प्लस ये एक दूसरे का मल्टीपुल है, एक्स एक्स कट गया डिवाइड में है तो ये बचा थ्री, ठीक इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दे रखा है उसने 5/2। यहाँ इनपुट कर दीजिए 5/2, ये निकला एक्स क्यूब और प्लस 1/x³, और ये बटा 1 कर दिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 12। ठीक, अब यहाँ आइए, लेफ्ट साइड में दे रखा है x प्लस 1/x का क्यूब, और आपको ऑलरेडी यहाँ x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 5/2। इसका मतलब है यहाँ इनका वैल्यू इनका x प्लस ये लेके आएंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर आया एक्स क्यूब और प्लस 1/x³ और प्लस 15/2। यहाँ क्या करना है कि एक्स प्लस 1/x का मान 5/2 आप इनपुट कर दीजिए तो 5/2 इनका क्यूब है तो इनको क्यूब कर दीजिए, इस पोर्शन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, प्लस 15/2। ठीक, आगे आ जाइए, अब 5/2 का क्यूब इसके लिए 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 25 125, ये हो जाएगा 125। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये देखिए दोनों एक जाति का है, इनको प्लस को लेफ्ट में लाएगा तो साइन बदलेगा, ये होगा 15/2 बराबर आपको जो बच जाएगा वो बच जाएगा एक्स क्यूब और प्लस 1/x³, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक, एक स्टेप और आइए, इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो 8 होगा। कमीशन की तैयारी करते इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये आपको कट के 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125, माइनस आइए 8 में 2 से भाग देंगे 4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60, ये बराबर क्या होगा एक्स क्यूब और प्लस 1/x³। आगे जवाब आपको मिल गया और कुछ नहीं करने का। ये देखिए 125 में से 60 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना के बराबर हुआ एक्स क्यू और प्लस 1/x³। इसका मतलब हुआ यही एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना था, यही जवाब 65/8 होगा। जितना आसानी से बनाना चाहते हैं बना ले और जवाब चुन ले, ट्रिक रुक के चक्कर में नहीं रहे। मैथमेटिक्स क्लियर कंसेप्ट की चीज़ है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 1 करोड़ प्रॉब्लम बना लेंगे, 1 करोड़ ट्रिक याद कर लेंगे, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले हमारा वीडियो देख लें, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करें या ना करें, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि इस मैथमेटिकल कंसेप्ट से उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं। ऐसा नहीं कि आप ही ज्ञानी हो जाएं और उनको ज्ञानी होने में आप दिक्कत करें। चलिए थैंक यू वेरी मच, इसको वॉच करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, लॉट ऑफ थैंक्स।